तो भैया ये बन गया मुशुको पासपोर्ट। अब ये कल जिसकी जर्नी है तो यहाँ पे इसको छोटा सा सर्टिफिकेट भी बनाया है। यस, सर्टिफिकेट बन गया मुशुको का जाने का। और यहाँ पे ये वैक्सीनेशन की डिटेल आ गई सब। या ये सारी वैक्सीनेशन की डिटेल आ गई, डॉक्टर साहब ने सब दे दिया एंड ही इज रेडी टू गो। गो हम सभी जो लोग घर के बाहर रहते हैं ना, हमें घर जाने की बड़ी खुशी होती है क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली हम अपने घर वालों को देख नहीं सकते। इस बार घर जाने की खुशी और थी कि हम अकेले नहीं जा रहे हैं बल्कि हमारे साथ मुशु जा रहा है हमारे घर। मैं रहने वाली मध्य प्रदेश की हूँ, सिंगरौली, और अभी मैं हरिद्वार में हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे सिंगरौली। अब चूँकि देखिए, आप अपने डॉग को या अपने पेट को ट्रेन में सफ़र करवा सकते हैं, लेकिन उसके कई सारे कायदे कानून होते हैं जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अब इस बार जब हमारे घर जाने का प्लान हुआ तो थोड़ा जल्दबाजी में हुआ, इसीलिए हमें फर्स्ट एसी में टिकट नहीं मिल पाई। और फर्स्ट एसी में जब आप अपने पेट के साथ सफ़र करते हैं तो ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, जैसे आपके पास आपकी टिकट होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो टिकट है वो फर्स्ट एसी में नहीं थी, इसीलिए थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बढ़ जाती है, आप ले जा सकते हैं। तो आई एम श्योर इस वाली वीडियो से बहुत से लोगों को मदद मिलेगी कि कैसे आप अपने पेट को, आप चाहे स्लीपर क्लास में हो, चाहे थर्ड एसी सेकंड एसी में हो, तो वो कर सकते हैं। और वाजिब सी बात है, बहुत से लोगों के लिए फर्स्ट एसी की टिकट अफोर्ड कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। कहाँ चल रहे भाई, ऐसे बोली में भल के ले जाएंगे तुमको कहा। तो सबसे पहले आप अपनी कंफर्म टिकट जो कि स्लीपर या सेकंड एसी थर्ड एसी की हो, उसके साथ एक आधार कार्ड और एक लेटर कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अपना पीएनआर नंबर सारी डिटेल भर के और पहुँच जाइए पार्सल डिपार्टमेंट पे। वहाँ पर पार्सल डिपार्टमेंट में आप इन्फॉर्म कीजिए अपने ट्रैवल के बारे में। ये एक दिन पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे अगर सेम डे करना चाहते हैं तो अपनी जर्नी के 4 घंटे पहले कर लें। और अगर आपके पास फर्स्ट एसी की टिकट है तो फिर आपको इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनको, आप अपने साथ फर्स्ट एसी में अपना पेट ले जा सकते हैं। अब हमने चिट्ठी वगैरह लिख दी है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, हमारी जर्नी जो है वो कल है, तो हम अब कल आएंगे। कहाँ भाई, कहाँ रिजर्वेशन हो गया? बेतू आजा बाहर आजा। मुशी बाहर आ, मुशी बाहर नहीं निकल रहा है बिल्कुल, कोई पता ना घूमने जाएगा पड़ी बाहर नहीं आ रहा है तो। हाँ ठीक, अब बंद कर, बंद कर। हमने अपने ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन दे दी थी, एक लेटर लिख दिया था मैनेजर साहब को, और उसके बाद हमने चेक किया कि डॉग बॉक्स जो है अवेलेबल है या नहीं, कोई दूसरा पेट तो साथ में ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई दूसरा ट्रैवल कर रहा होगा पेट, तो फिर आप अपने पेट को नहीं ले जा सकते क्योंकि एक ट्रेन में एक ही डॉग बॉक्स होता है। तो शुक्र है कोई दूसरा पेट उस दिन ट्रैवल नहीं कर रहा था, तो हमें आसानी से डॉग बॉक्स मिल गया। अब हम मुशो को उस डॉग बॉक्स में ले जा सकते हैं।
अब ये जरूर ध्यान दीजिए कि जब आप डॉग बॉक्स में रख देते हैं अपने पेट को, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी आपकी होती है कि आपको अपने पेट को कब खाना खिलाना है, कब पानी पिलाना है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने जहाँ पे डॉग बॉक्स है उसके आसपास ही अपनी सीट रखें, और अगर नहीं है तो आपको वापस आना पड़ेगा, या तो अपनी टीटी के साथ अगर कोई बात बात करके सेटिंग कर सकते हैं तो वो आपकी खुद की जो स्किल है वो है। तो हमारी सीट जो है वो कन्फर्म थी और अब मूड शो का भी सारा का सारा फॉर्मेलिटी हो गया है। अच्छा, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या है? पहला तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए खुद का, आपकी जो वैलिड टिकट है वो होनी चाहिए, और आपका जो पेट है उसको सारे के सारे वैक्सीनेशन लगे हों, और कुत्ता है तो उसको रेबीज का इंजेक्शन भी लगा हो। जो मैंने शुरू में इसका पासपोर्ट शेयर किया था उसमें ये सारी फॉर्मेलिटी हमने कर ली थी, और ये सारे इंजेक्शन 15 दिनों से पहले ही के ही लगे हों, ज़्यादा पुराना ना हो। तो अब हमने यहाँ पे पार्सल डिपार्टमेंट में जाके इसकी एंट्री करवा दी है, अब बस हमारी ट्रेन आने वाली है। अब ये जो पर्चा हमें मिला है इसको हम इसके गले में बांध देंगे क्योंकि ये इसकी आइडेंटिटी है। तो अब ये पर्चा इसके गले में बंध गया है, अब हम ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये काम सारा ट्रेन के आने के एक घंटे के दरमियान ही होगा। लेकिन उसके पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करके ट्रेन डिपार्टमेंट को, ट्रेन वालों को इन्फॉर्म करना होगा। अब हमारी ट्रेन आ गई है, और यकीन मानो इस वक्त जब मैं मूशो को छोड़ने जा रही थी ना उस डॉग बॉक्स में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, जैसे कि मैं अपने बच्चे को छोड़ने जा रही हूँ। तो बस अभी सारी की सारी तैयारी हो गई है। डॉग बॉक्स हमेशा ट्रेन के अंत में होता है, आखिरी डिब्बे में होता है, और ये डॉग बॉक्स है जिसमें कि आप अपनी बकरी, छोटे कुत्ते, बिल्लियों को ले जा सकते हैं। अरे, तो ये डॉग बॉक्स में हमने डाल दिया यहाँ पर जो एक गार्ड रहते हैं, और ये मुझे ये पर्चा मिल गया जो कि मूशो अब रेलवे की अमानत है। अब मैं बीच बीच में इसको इस तरीके से थोड़ा सा बिस्किट खिलाने के लिए पानी, क्योंकि अभी छोटा बच्चा था और हमारा पेट जो है हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, जब आप अलग से उसको छोड़ देते हैं तो वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन उस वक्त हमें उसके पास जाके थोड़ा सा उसको प्यार करना पड़ता है। तो मैं काफ़ी बार कोशिश कर रही थी कि अपने डब्बे से आके मूशो से मिलूँ, थोड़ा देर उसके साथ बैठूँ। वैसे इतना ज़्यादा वहाँ पे बैठना अलाउड नहीं होता है, आप बस जाके वहाँ पे मिल सकते हैं, अपने पेट को खिलाएं पिलाएं, थोड़ा सा सुसु पॉटी करवा दें। अब हमारे मूशो के साथ ये परेशानी है कि ये जो सुसु पॉटी हैं वो कभी भी जहाँ पे बैठेंगे वहाँ नहीं करते, हमेशा इनको हम बाहर लेके जाते हैं फिर ये सुसु पॉटी करते हैं। तो वैसे तो ये बच्चा बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं जब बार बार जा रही थी तो थोड़ा सा, मतलब मैं देख रही थी कि इसकी जो स्थिति है उसमें थोड़ा सुधार है और थोड़ा खुश है ये। इतना ज़्यादा खाया पिया तो नहीं, लेकिन फिर भी खुश था। अच्छा, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि थ्रू आउट द जर्नी आपको जो भी कागजात मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इसकी रिसिप्ट मिली है, उसको आपको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। और क्योंकि जब आप वो सारे रिसिप्ट वापस देंगे, जब आपको रिसीविंग के लिए आएंगे लोग, तभी आपको पेट अपना वापस मिल पाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, और इतना आसान तो नहीं होता अपने पेट को ले जाके सफ़र करना, लेकिन हाँ, रेलवे से थोड़ा सा आसानी हो जाती है इस तरीके से। आप अपने साथ कोशिश करें कि जो आपके डॉग को पसंद हो खाना वो रखें, छोटे छोटे बिस्किट्स रख लें जैसे मैंने रखा है, पेडिग्री रख लें, कुछ टोस्ट रख लें, कुछ फ्रूट्स अगर उसको पसंद है तो वो रख लें, ताकि उसको अच्छा लगे, वो भूखा ना रहे, और बार बार उसको जो भी चीज़ें पसंद है वो खिलाते रहें, ताकि उसका सफ़र भी काफ़ी अच्छी तरीके से वो इन्जॉय कर पाए। अब मैं एक काम कर रही थी कि मेरे डब्बे से जहाँ पे, मतलब मेरा कोच था वहाँ से डॉग बॉक्स की तरफ बार बार आ रही थी, और मूशो को थोड़ा सुसु और पॉटी करवा रही थी। वैसे ये अलाउड नहीं है कि आप अपने पेट को बाहर घुमाएं, लेकिन फिर भी मैंने गार्ड साहब से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मान लिया, ताकि मैं इनको सुसु पॉटी करा सकूँ बाहर और वो जगह गंदी ना हो। अब मैं आपको एक बाबा जी से मिला रही हूँ जिनसे हम सभी को प्रेरणा और इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अब ये अंकल हमें ट्रेन में मिले हैं, और ये उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो सकते हैं जिनको मेहनत से ना दूर दूर का कुछ लेना देना नहीं है। अगर अंकल इस उम्र में मेहनत कर सकते हैं तो यार, हमारा तो शरीर अभी बहुत अच्छा है ना, मेहनत में लग जाओ, मेहनत से ज़्यादा सुकून किसी चीज़ में नहीं है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल से मिलकर। और इनकी जेब देख रहे हो कितनी प्यारी है, ये जेब देखो कितनी प्यारी है इनकी, पिंक पिंक इन्होंने अपने से लगा रखी है। अंकल आपने ये जेब अपने से लगा रखी है? ये तीन लगाए हैं।
सिलवाए हैं। अच्छा तो ये ट्रेन में पैसे गिर जाता था। हाँ पैसा गिर जाता था, तो ट्रेन में ऐसे ये बेच रहे हैं। क्योंकि अभी मेरे यहाँ में तो छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं, लेकिन हमने फिर भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है अंकल को। तो यार प्लीज मेहनत करो। यही है 80 किलो के 80 साल के हैं। कहाँ के हैं? अपना घर यही जौनपुर है। जौनपुर के हैं आप? अपने जौनपुर के हैं। अच्छा अब ये जाएंगे बनारस से लौट आएंगे। और घर पे बच्चे नहीं है आपके? नहीं है, दो लड़का है। हाँ बहू है। हाँ खाना पीना सब देते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगता है? चाय पानी के लिए पैसे मांगे वो नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, ऊपरी खर्चे कहीं भी पड़ जाए 10-5 रुपए तो नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, अपना ये अच्छा है अंकल, अपने हाथ में मतलब चलते फिरते रहो, दो हाथ अपने पास में पैसे रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये एक्सरसाइज कचरा तुम्हारा हो जाता है। आपसे मिलके हमारे जैसे लोगों को इतना वो मिल रहा है, पता है आपको? अगर हम बैठ जाएंगे तो 2 महीने चलने की शक्ति नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल, बहुत सही कहा। हाँ इस उम्र में कहाँ चलते हैं, चलेंगे भी नहीं, लोग 80 साल तक तो दिए गए नहीं। चल पाएंगे, चल पाएंगे शक्ति अगर हम बैठ जाएंगे। आपसे बहुत अच्छा लगा, अगर हम बैठ जाएंगे तब शक्ति नहीं रहेगी। तो अच्छा लगा ना बाबा जी की कहानी सुन के, हम सभी को इसी तरीके से मेहनती होना चाहिए। तो फाइनली इतनी लंबी जर्नी करके हरिद्वार से बनारस हम पहुंच चुके हैं, और अभी आगे की जर्नी भी बाकी है, लेकिन मैं खुश हूं कि एटलीस्ट मेरा बच्चा जो है डॉग बॉक्स से निकल पाया। बनारस आ गए हैं हम लोग, तो हम लोग के मुशु की शायद प्याला है। मुशु 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 यह है बनारस का रेलवे स्टेशन, नया नाम वाराणसी है। यहाँ से हमारा घर अभी भी 300 किलोमीटर दूर है, तो टैक्सी हमारा इंतजार कर रही है। एंड हियर वी गो, इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। पहली बार मैंने अपने पेट के साथ ट्रैवल किया, एंड ट्रस्ट मी अच्छा एक्सपीरियंस था। आई होप कि मेरी इस वीडियो से बहुत से उन लोगों को मदद मिलेगी जो लोग अपने पेट के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसे सफ़र करना चाह रहे, क्योंकि पेट जब तक मैंने नहीं रखा था तब तक मुझे इतना एहसास नहीं था, लेकिन आज मैंने पेट रख लिया तो मेरा बच्चा ही है। अब घर आने के बाद मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो तो बस मुशु को देखते ही उससे दोस्ती हो गई, और वो उनके साथ इस तरीके से खेला, इस तरीके से खेला। अभी दोस्ती होना बाकी है, लेकिन हाँ आई एम श्योर कि ये सारे लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। ओ भाई साहब, बहू बहू रसनी बहू मेरा जी बहू मुंह मारी चप्पन आया मुशो, गंदी बात ना बेतू, गंदी बात ना बेतू, गंदी बात ना, हाँ गंदी बात ना, तुम तो बड़े हो गए हो, तुम तो बड़े हो गए हो। कहाँ? यहाँ, ये देख, यहाँ यहाँ मुशो मुशो बेटी, कुकू कौन खाएगा, कुकू बेटा खाएगा, कुकू कौन खाएगा, कुकू मेला मुशो खाएगा, है ना मुशो, मुशो बेटू कुकू कौन खाएगा। अले बापले, ओहो ओहो, ये ले ले,
कुकु कौन खाएगा, कुकु मुशु खाएगा, कुकु मुशु खाएगा। गुड बेटू, गुड मुशु बेटू, मुशु मुशु मुशु, मुशु मुशु मुशु। योगा मैट गंदी कर दे सब। ठीक बेटा, ठीक बेटा, खा ले खा ले खा ले खा ले। मुत्तु, इतना तुंदल काए है बेतू? मुत्तु इतना तुंदल काए हो तुम भाई? मुशु, मुशु हम जा रहे हैं, मुशु हम जा रहे हैं। तुम इतना सुंदर क्यों हो मुशु? तुम इतना सुंदर क्यों हो बेतू? काहे बेतू इतना सुंदर काहे हो? नहीं 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 नहीं, हम जा रहे हैं बेतू, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बेतू, हम जा रहे हैं। हैं?